नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सैनी और मैं स्वागत करता हूँ आपके टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो ये शुरू करने से हमें पहले जानना होगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी बिजनेस या किसी वेंचर्स को शुरू करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी पार्टनर्स के बीच में उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिजनेस ऑपरेशंस और डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन का तय होता है। हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग में पार्टनर्स का एड्रेस देना होता है। उसके बाद हमें बिजनेस की डिटेल जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना होता है। फिर आता है पार्टनर्स का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सेक्शन क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए कि फ्यूचर में आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। उसके बाद प्रॉफिट अकाउंटिंग, उसके बाद हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी और बुक कीपिंग कैसे की जाएगी, ये सारी डिटेल्स भी हमको उस पार्टनरशिप डीड के अंदर मैंशन करनी होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन का प्लान भी होना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो उनको हम कैसे रिजोल्व करेंगे, कैसे उसको मतलब सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाएगा, तो ये भी हमको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये था पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको नोट करना हो तो हम नोट भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए नोटबुक बनाए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स डीड्स, डेफिनेशन की डेफिनेशन होती है कि दो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दो या दो के लोगों के बीच में किसी बिजनेस को रन या किसी वेंचर को रन करने के लिए चलाया जाता है। इंपॉर्टेंस होती है कि इसमें किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, बिजनेस ऑपरेशंस होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, कितना कितना किसका हिस्सा होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी होगी, सारा इस इम्पोर्टेंस में मैंशन करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स, लीगल सिग्निफिकेंस, पार्टनरशिप डीड्स आर लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जो उसके टर्म्स को डिफाइन करता है, पार्टनर्स के रोल्स को भी क्लैरिफाई करता है, रिजोल्यूशन कैसे आगे फ्यूचर में जाके रिजोल्यूशन कैसे होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या किसी मतलब किसी चीज़ को लेके पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, झगड़ा होगा, तो उसको रिजोल्व कैसे करेंगे। की पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस पार्टनर, अब हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ये सारा हमको फील करना होता है। नेचर बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हम बिजनेस में करेंगे, क्या कोई सामान बेचेंगे या कोई सर्विस देंगे हम, तो ये सारा हमको उसमें मैंशन करना होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ईच पार्टनर, हर पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा और उसमें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर किसी की कितनी होगी, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी होंगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमको पार्टनरशिप डीड को के अंदर रखनी होती है बिजनेस को शुरू करने से पहले। पार्टनर्स के रोल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि पार्टनर्स क्या रोल निभाएगा बिजनेस में रह के, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी हमको गोल ऑब्जेक्टिव को सीधा रखना चाहिए कि हम आगे रखें क्या गोल हम हासिल करेंगे। डिटरमाइंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी। आपका नोट करना था, नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।